हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वन पीस टॉप बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम नीचे का घेर तैयार करेंगे। घेर तैयार करने के लिए सबसे पहले इस कपड़े को फोर फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले ये हमने ऐसे फोल्ड किया है, उसके बाद इसको ऐसे तिरछा रख लिया। इसके बाद हम अपनी कमर की जितनी भी आपकी कमर का मेजरमेंट है, जैसे 32 है कमर, उसका 1/4 लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि 8 कहाँ पे आता है। ये जो कमर का मेजरमेंट होता है, ऊपर से बॉडी से 14 इंच तक होता है, तो ये 8 देख लेना कहाँ से आता है। ये निशानी लगा ली हमने, यहाँ पे 8 आता है। तो यहाँ से हम नीचे हमें जितनी लंबाई चाहिए उतनी लेंगे। तो हमें चाहिए 24 हमें तैयार चाहिए, तो हम 25 ले रहे हैं, यहाँ तक लेंगे। इधर से भी 25 कर देते हैं, ये तो इसको एक राउंड शेप दे देते हैं। राउंड शेप देके इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम ऊपर वाली टॉप की कटिंग करेंगे। तो टॉप की जो लंबाई है हमें 14 तैयार चाहिए, इसलिए हम 15 लेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, ऊपर से और नीचे से आधा आधा इंच। शोल्डर 6.5, आर्म होल 6.5, नेक 3, नेक की डीपनेस है जो बैक वाले की वो 4 लेंगे, फ्रंट वाले की 5.5। बस्ट साइज 38 का पोर्ट पर 9.5 प्यार। यहाँ पे मार्जिन आप 2 इंच दे सकते हैं, मेरा कपड़ा कम है इसलिए 1/2 इंच ही मार्जिन आ रहा है इसमें। बाकी ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो ये सेट हो जाएगा उसमें। इसके नीचे यहाँ पे हम लेंगे 8, 32 का 4th पार्ट 8, 8 हमारी कमर है। तो अब हम इनको सीधा करके कटिंग कर लेते हैं।
ये कटिंग हो चुकी है हमारे, अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये यहाँ से हम गले को थोड़ा सा ठीक करेंगे और ये जो आर्म होल है इसकी थोड़ी सी शेप देंगे डीप थोड़ी सी। ये कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी सिलाई करें। अब हम आर्म कट करेंगे। अभी हमने ऐसे कपड़ा काट लिया है, इसकी लंबाई 22 इंच है और चौड़ाई में भी ये 22 इंच है और इसकी 11 इंच बाजू बन जाएगी। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करना, थोड़ा सा छोड़ देना ऊपर इतना सा, और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहां से हम लेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच और यहां से लेंगे हम जितना हमने आर्म होल कट किया है 1/2 इंच ज्यादा ले लेंगे उसका। आर्म होल हमने 6.5 कट किया है तो हम 7 लेंगे इसका, 7 का 1/2 3.5। तो यहाँ से ये तो इसको सर्कल शेप दे देंगे। इसको भी शेप देनी है हमने, पहले शेप दे देते हैं। जैसे ये हमारा 11 इंच आ रहा है, इधर से भी हम 11 इंच ले लेंगे। इधर से भी हम 11 इंच ले लेंगे। इसका भी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और सर्कल ड्रॉ करके फिर इसकी और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे इसकी कटिंग हो जाएगी। अभी हमने जो गेज था इसका उसको ऐसे फोल्ड कर लिया है और जो बाजू थी उसको भी ऐसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद आप उसे पॉसिबल हो सके तो आप इसे पीको ही कराइए, पीको के साथ इसकी लुक ज्यादा अच्छी आती है। मैंने यह इसके नीचे सिलाई दी है, इसकी सिलाई भी लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नीचे से जोड़ देंगे। जो ये ऊपर वाला पार्ट इसको नीचे वाले गेज से ऐसे जोड़ देंगे और जो बाजू है इसकी उसको ऐसे इस पे उल्टा रख के ऐसे बल डालेंगे इसमें, जितने बल डाल सकते हैं डाल देंगे इसमें, ऐसे इसको जोड़ देंगे। तो मैं आपको सिल के बताती हूँ कैसे। देखिए ये ड्रेस बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, स्टिच कर दी है, ये इसका नेक तैयार कर लिया है और एक पट्टी से तैयार किया और एक पट्टी लगा दी है इस पे और ये बाजू जोड़ दिया, नीचे घेर भी जोड़ दिया है।
देखिए कितनी अच्छी लुक आई इसकी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।